नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में पश्चिमी छोर पर नव निर्मित मंदिर में मां काली, गणेश और भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गोरखपुर प्रवास का चौथा दिन है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जैसा कि हर बार जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दरबार में 300 फरियादी आए। इसके पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ का पूजा अर्चन किया और गौशाला जाकर सेवा की। कार्यक्रम के बाद उनके लखनऊ प्रस्थान की संभावना है। ये तो एक हफ्ता कार्यक्रम चल रहा है। काली जी का मंदिर है, पुराना है, एक हफ्ता काम चल रहा है। ये काली जी का, गणेश काल और भैरव का मूर्तिया स्थापना होगा। महाजी उद्घाटन करेंगे, ये झूला का उद्घाटन करेंगे, ऊपर संतवास नया बना हुआ है उसका भी उद्घाटन करें, तीनों को उद्घाटन करेंगे और भंडारा भी होगा, भोजन भोजन यही होगा नया संतवास में। झांसी समथ स्टेट के राजा और प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री रणजीत सिंह जुदेव का आज लखनऊ स्थित आवास पर 80 साल की उम्र में निधन हो गया। जिसकी जानकारी होते ही उनके परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। रणजीत सिंह जुदेव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। गरौठा समथर विधानसभा सीट पर 10 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने और 6 बार विधायक और 1 बार एमएलसी जीतने वाले जुदेव प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे थे। कांग्रेस के रणजीत सिंह जुदेव प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे थे। वहीं जिले के जिलाधिकारी झांसी सहित क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खावड़ी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और अन्य दल के नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराज समथर के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। बता दें कि बुधवार की सुबह होली के दिन समथर क्षेत्र में जब लोगों को महाराज रणजीत सिंह जुदेव के निधन की खबर पता चली तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं नगर और आसपास के गांवों में होली का त्यौहार भी फीका रहा। जब शाम करीब 7 बजे महाराज समथर का पार्थिव शरीर समथर कस्बे में आया तो जगह जगह लोग इकट्ठा होकर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लाए थे। वहीं पूरा समथर महाराज समथर अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि महाराज समथर का राजनीतिक क्षेत्र में काफी दबदबा रहा। महाराज समथर 6 बार विधायक और 1 बार विधान परिषद सदस्य भी रह चुके थे। बहुत कम लोग मिलते हैं जो जनता और राजा में फर्क नहीं करते। हमने महसूस किया है जब जब भी हम यहाँ आए थे तो हमेशा उन्होंने हमें अपनी। अलीगढ़ में शराब पीकर युवक की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं दूसरे शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि होली की शराब पार्टी के दौरान यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा लोग शराब पार्टी कर रहे थे। वहीं शराब के ज्यादा सेवन से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। हुआ ये था सर के ये 5-6 लोग थे और ये ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। कौन सी जगह? ये सर मुझे नहीं पता, मैं तो हल भाई के साथ काम करता हूँ। मुझे शाम को पता चला था तो मुझे कॉल करके बताई थी मेरी मैडम ने। मैं बड़ा गाँव अकबरपुर का रहने वाला हूँ सर। थाना कौन सा? थाना लुदा पड़ता सर। और घटना ये हुई है सर, जो बंदा जिसकी डेथ हुई है वो बंदा पहले से भांग भांग वगैरह पीता था, देसी शराब भी पीता था। तो फिर उसका क्या नाम है? उसका हरपाल नाम है सर उसका। और शाम को इसने मेरे पापा के पास आया था, पापा को घर से बुला के ले गया है। फिर ये 5-6 लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर इन्होंने ड्रिंक वगैरह की है। उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की है सर, तो ड्रिंक करने के बाद फिर उसकी हालत ख़राब हो गई है और यहाँ अलीगढ़ मेडिकल ले के आए हैं। मेडिकल में सर उसकी डेथ हो गई है। बिसौली कोतवाली पुलिस के साथ अभद्रता करने पर बीजेपी नेता समेत 10 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नगर बिसौली का है, जहां पुलिस द्वारा लगातार होली के पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी की जा रही थी। वहीं पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कुछ उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे, जिनकी पुलिस ने वीडियोग्राफी करनी चाहिए। तभी बीजेपी नेताओं समेत दर्जनों युवकों ने पुलिस से अभद्रता करते हुए मोबाइल भी छीन लिया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे एक युवक को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद बीजेपी नेता समेत दर्जनों युवक कोतवाली बिसौली पहुंचे और कोतवाली से गिरफ्तार किए गए।
अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के नगरवा में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को गौरीगंज कोतवाली में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से दी गई तहरीर पर FIR दर्ज करवाकर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एटक के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र यादव गिरफ्तार हुए। दरअसल जुगेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम था और उसने डकैती छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी उसकी हुई थी। बता दें कि जुगेंद्र यादव पर 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के गांव जमालपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब पिकअप गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की भारी आक्रोश के चलते पुलिस बल मौके पर जुटा रहा। ग्रामीणों ने पिकअप चालक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। सहारनपुर के ननौता क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा स्थित संगम के समीप गंगोह की ओर से जलालाबाद जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। आसपास काम कर रहे लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर ननौता क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा स्थित संगम के समीप गंगोह की ओर से जलालाबाद जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और बस के पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को भर्ती कराया है। वहीं जिले भर में होली का कार्यक्रम सकुशल रहा, जिसमें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की, जिसके बाद होली का कार्यक्रम SSP आवास पर भी हुआ। वहीं होली मिलन समारोह में जिले भर के तमाम पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस के जवानों ने होली का पूरी तरीके से आनंद लिया है। अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पूरे क्षेत्र में होली का जो त्यौहार है वो सकुशल निपट गया, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त देखी गई। होली का कार्यक्रम SSP आवास पर भी किया गया, जहां होली मिलन समारोह में जिले भर के तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के जवानों ने जी भरकर यहां पर होली का आनंद लिया। सहारनपुर में भी पुलिस लाइन सहित सभी थानों और पुलिस चौकियों में जमकर होली खेली गई। आपको बता दें कि कल होली का त्यौहार था, जिसमें अच्छे से संपन्न कराने के बाद पुलिस लाइन में भी होली का जश्न देखा गया है। तो सहारनपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, आपको बता दें कि पुलिस लाइन सहित सभी थानों और पुलिस चौकियों में जमकर होली खेली गई है। आपको बता दें कि कल होली का त्यौहार देश भर में मनाया गया, लेकिन हर त्यौहार पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, चप्पे चप्पे पर उनकी तैनाती होती है, क्योंकि आम लोगों की और जनता की सुरक्षा का जिम्मा भी इन पर होता है। तो ऐसे में आज पुलिसकर्मी होली खेलते हुए नजर आए। अच्छे से संपन्न त्यौहार कराने के बाद पुलिस लाइन में आज जमकर होली खेली गई। वहीं कानपुर के दबौली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अधिवक्ता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। आनन फानन में खून से लथपथ अधिवक्ता को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबौली इलाके का है, जहां रहने वाले अधिवक्ता सतीश मिश्र अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। वहीं SCP बाबूपुरवा संतोष कुमार ने बताया कि परिवार वालों के मुताबिक सतीश काफी दिनों से दांत के दर्द से परेशान चल रहे थे, जिसके बाद जब पूरा परिवार सुबह अपना काम कर रहा था, तभी अचानक सतीश के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो सतीश खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे, जिसके बाद परिजन आनन फानन में आसपास के पड़ोसियों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सतीश ने अपनी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है, जिसे घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस और कब्जे में लिया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस चीज को लेकर यहाँ पे आए, क्या मामला है, किसी में? एडवोकेट सतीश मिश्रा जी हैं, जो कि डबौली थाना क्षेत्र गोविंद नगर में रहते हैं। आज सुबह इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। यहाँ पर कारण ये पता लगा कि सतीश मिश्रा जी के दांत में काफ़ी दर्द रहता था, इनको दांत का कैंसर था, जिस वजह से काफ़ी दर्द वगैरह उनको रहता था, और इनको आनन फानन में रीएनसी हॉस्पिटल ले आया गया। वहाँ पे इनकी मृत्यु घोषित डॉक्टर्स ने कर दी, अग्रिम वैधानिक प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।
झांसी में खुद को एसडीएम बनाकर पार्क के मैनेजर पर रोब झाड़ने वाले बदमाश ने पार्क के मैनेजर को जमकर गाली गलौज कर आधा घंटे तक ड्रामा किया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके रौब को देखकर चुप्पी साधे रही। बता दें कि मामला सोमवार की दोपहर एक लग्जरी गाड़ी से एक व्यक्ति अटल एकता पार्क पहुंचा था। सोमवार का ही पूरा मामला है। वहां उसने बिना टिकट लिए खुद को एसडीएम बताकर प्रवेश किया। बाद में पार्क के अंदर से ही उसने पार्क मैनेजर को फोन लगाकर कहा कि वो एसडीएम बोल रहा है और जब कोई वीआईपी पार्क में आता है तो उसकी खातिरदारी की जाती है, तुम पार्क आओ मैं यहीं खड़ा हूँ। इतना सुनते ही मैनेजर पार्क में पहुंचा। मैनेजर के पहुंचते ही एसडीएम बताने वाले व्यक्ति ने जमकर गाली गलौज करते हुए सभी को अपने रुआब में ले लिया। इधर सूचना मिलते ही नवाबाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन खुद को एसडीएम बताने वाले व्यक्ति ने पुलिस को भी अपने रुआब में ले लिया और कर बता कि यह नजारा देख रहे आम नागरिकों ने अपने मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि एक एसडीएम द्वारा फ्री में पार्क घूमने के लिए सब ड्रामा करने का वीडियो देख लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पार्क में लगी भीड़ और पुलिस को देख खुद को एसडीएम बताने वाला चुपचाप वहां से भाग निकला। ये घटना है 7 मार्च 2023 को। एक महोदय आते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम एसडीएम हैं। आए जब प्रवेश किया इन्होंने तब भी बड़ा स्टाफ से बड़ा बदतमीजी गाली गलौज करते हुए अंदर गए। फिर उनके संग उनका एक और सज्जन थे, वो शायद उनको अपना लड़का बता रहे थे और एक छोटा बच्चा भी था। उसको इन्होंने फ्री झूला झूला झुलवाया, फिर बोले कार भी चलवाओ ये चलवाओ। फिर हमारे मैनेजर को इन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया और बड़ा ही गाली देते हुए बात किया। फरुखाबाद में गोलीकांड की दूसरी घटना सामने आई है। इस दौरान फायरिंग से युवक को गोली लग गई। दरअसल दो पक्षों में जमकर फायरिंग हो रही थी। वहीं परिजनों ने अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप लगाया। युवक को घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। वहीं ये पूरा मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज खटेरा गाँव का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में 4 साल के मासूम बच्चे को आवारा सांड ने रौंद दिया, जिसमें बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही बच्चे की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से बच्चे की मौत हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बच्चे को सांड द्वारा रौंदने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।